नमस्कार दोस्तों, अखबार से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाले यहाँ पे Realme 3 Pro के जुलाई के महीने के नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों यार फाइनली Realme 3 Pro के लिए जुलाई के महीने का जो अपडेट है ना, वो ऑफिशियली रोल आउट होना चालू हो चुका है, जहाँ पे भैया वर्जन है C.07। फिलहाल दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शॉट देख सकते हो, जहाँ पे मॉडल नंबर है RMX 1851, जो कि Realme 3 Pro का मॉडल नंबर, और साथ में जो C.07 वाला अपडेट है वो भी फाइनली मिल चुका है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं साइज के रिगार्डिंग, तो भैया 494 MB की साइज है। और नीचे देखोगे तो रिकमेंडेशंस के अंदर दिस रिलीज इंक्लूड्स एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच एंड फिक्स्ड सम अननोन इश्यूज। अब यहां पर दोस्तों बात करेंगे कंप्लीट चेंज लॉक के रिगार्डिंग, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बस जल्दी से एक लाइक कर दो। एम करते हैं 300 likes की, उम्मीद है आप कर ही दोगे। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं भैया सीधा अपडेट लॉक के बारे में, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा जुलाई के महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, जो कि ऑब्वियसली होने वाला है 5 जुलाई 2020 की। दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो एप्लीकेशन के अंदर Realme Link ऐप को ऐड कर दिया गया है, जो कि भैया किसी काम का है नहीं। यहां पर दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो भैया Realme Lab के अंदर एक नया फंक्शन को ऐड किया गया है, जो कि यहां पे है स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर। अब स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर के जरिए होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। भैया मान लो आपने स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर को ऑफ करके रखा है, और उसके बाद में अगर आप जाके किसी भी चीज को स्क्रोल करते हो, लाइक भैया आप जाते हो फेसबुक में और आप स्क्रोल करते हो न्यूज फीड के अंदर, तो एक बार स्वाइप करने के बाद में वो जो स्क्रोल है ना, वो 4 सेकंड तक होगा अगर ये फीचर ऑफ है तो। और अगर भैया आप इस फीचर को ऑन करते हो, तो उसके बाद में अगर आप जाके किसी भी चीज को स्क्रॉल करोगे, तो एक बार स्वाइप करने के बाद वो 7 सेकंड तक स्क्रॉल होगा, मतलब 7 सेकंड तक स्क्रॉल होगा, ठीक है। इस फीचर के जरिए 60Hz से डिस्प्ले 90Hz का नहीं होगा, क्लियर कट बात है, ठीक है। यहां पर दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो भैया स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर ऑप्टिमाइज्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर। अब कौन से भैया फीचर को ऑप्टिमाइज किया गया है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रिलेटेड एक अपडेट जून के महीने में आ चुका था, जहां पे कस्टम रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिल चुका था, कस्टम बिटरेट का सपोर्ट मिल चुका था, और जो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है वो भी मिल चुका था। मतलब आप एक ही साथ देखे टाइम पे इंटरनल एक्सटर्नल ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाते थे, तो वो सब सपोर्ट तो मिल चुका है भैया। अब यहां पे कौन सा नया फंक्शन ऐड हुआ है, कौन से फीचर को ऑप्टिमाइज किया गया है वो मुझे नहीं पता, जब अपडेट मिलेगा तो इसके बारे में आपको जरूर से बताऊंगा। यहां पर दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो सिस्टम के अंदर ऑप्टिमाइज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्वाइप बैक जेस्चर स्टाइल। इसका मतलब यह जो बोथ साइड जेस्चर्स है ना, उसको यहां पे ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। अब भैया ये तो जून के महीने के अपडेट के जरिए किया गया था, तो वापस से भैया ये क्यों मेंशन है वो मुझे नहीं पता, मतलब ये एक बेकार का अपडेट लॉग है। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा है ना ऑप्टिमाइज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्वाइप बैक जेस्चर स्टाइल, ये सेम अपडेट, ये जो अपडेट लॉग है ना, ये जून के महीने के अपडेट के अंदर भी मेंशन था, तो इसका मतलब ये किसी काम का है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी Realme 3 Pro को मिल चुका है। मतलब ट्रांसपेरेंट बोथ साइड जेस्चर्स Realme 3 Pro के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो C.06 वाला अपडेट फिलहाल Realme 3 Pro के अंदर इंस्टॉल है ना, उस अपडेट के अंदर ही ट्रांसपेरेंट बोथ साइड जेस्चर अवेलेबल है, तो मुझे नहीं पता इसको फिर से ऐड क्यों किया गया है। यहां पर दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो ऑप्टिमाइज ब्लूटूथ बीइंग टर्नड ऑफ व्हेन फ्लाइट मोड इज टर्नड ऑन। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, मान लो कि भैया आपने ब्लूटूथ को ऑन किया है, और उसके बाद में अगर आप ऑन करते हो फ्लाइट मोड को, यानी कि एयरप्लेन मोड को, तो उसके बाद में जो ब्लूटूथ है ना वो अपने आप ही ऑफ हो जाता था, तो उस वाले इशू को यहां पर फिक्स कर दिया है। अगर आप करते हो C.07 अपडेट को, और उसके बाद में अगर आप करते हो अपने ब्लूटूथ को ऑन, और उसके बाद में अगर आप करते हो अपने फ्लाइट मोड को ऑन, तो भैया जो ब्लूटूथ है ना वो ऑफ नहीं होगा। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं लास्ट चेंजेस की, तो हमेशा की तरह फिक्स्ड सम नोन इश्यूज एंड इम्प्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी। अब कौन से बग को यार फिक्स किया गया है, कौन से इश्यूज को फिक्स किया गया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि कुछ इश्यूज वगैरह होंगे जिसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अब पता नहीं यार बैटरी ड्रेनिंग इशू को फिक्स किया गया है कि नहीं किया गया है, जो हीटिंग इशू है उसको फिक्स किया गया है कि नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस अपडेट रोल आउट हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात है 5 Pro X और XT की, तो ऑब्वियसली Realme 3 Pro के लिए रोल आउट हो रहा है, XT और 5 Pro के लिए भी बहुत ही जल्द रोल आउट कर दिया जाएगा। जैसे ही रोल आउट होता है भैया दिन में 3 नोटिफिकेशन, मतलब एक यूट्यूबर भैया अगर वीडियो डालता है ना, तो एक दिन में 3 नोटिफिकेशन मैक्सिमम जाता है, तो मुझे नहीं पता अब अगर अपडेट आया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो बस आने दो अपडेट, उसके बाद में मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसी ही वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। मिलता है आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए। I gotta say goodbye.